मूवी का स्टार्ट होता है और हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जो कि अपनी क्रिसमस हॉलीडे को सेलिब्रेट करने के लिए क्रोकोडाइल पार्क जा रहे हैं। उनका नाम एडम, ग्रेस जो कि एडम की वाइफ है और ली जो कि ग्रेस की बहन है, वो लोग वहां से अपनी गाड़ी में निकल जाते हैं। कुछ समय बाद वो लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं। वहां वो लोग तरह तरह के क्रोकोडाइल को देखते हैं और काफ़ी इंजॉय करते हैं और फ़ोटो भी क्लिक करवाते हैं। ये क्रोकोडाइल पास के रिवर से लाई गई थी और रात में वो लोग वहाँ के किसी होटल में रुक जाते हैं और नेक्स्ट डे के लिए ये प्लान करते हैं कि नेक्स्ट डे वो लोग फिशिंग के लिए जाएंगे। फिर सुबह होते ही वो लोग फिशिंग के लिए रिवर के पास चले जाते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात जिम से होती है जो कि उन्हें लेकर के रिवर पे चला जाता है। जिम अपने साथ गन भी ले जाता है जो कि उनकी सेफ्टी के लिए था। एडम को एडवेंचर काफ़ी पसंद है। वहाँ हमें ग्रेस और ली की बात से पता चलता है कि ग्रेस माँ बनने वाली है और उसने ये बात अभी तक एडम से नहीं बताई है। वो सही टाइम आने का वेट कर रही होती है। ये लोग वहाँ काफ़ी इंजॉय करते हैं, फोटो लेते हैं। वहाँ से नेचर काफ़ी सुंदर दिख रहा था। फिर ये लोग बोट को लेकर के रिवर के और अंदर जाते हैं और वहाँ एक जगह रुक करके फिशिंग करने लगते हैं, पर इन्हें वहाँ कोई फिश नहीं मिलती, इसलिए जिम उन्हें और अंदर ले जाता है फिर वहाँ पे वो लोग रुक करके फिशिंग करते हैं। कुछ टाइम के बाद एडम को ऐसा लगता है जैसे उसके फिशिंग रॉड में एक फिश फंसी है, तभी वो उसे खींचने लगता है, पर क्योंकि वो क्रोकोडाइल थी जो कि इनके बोट को पूरी तरह से पलट देती है। सभी लोग पानी में गिर जाते हैं। एडम डर के बोलता है कि सभी लोग पेड़ पे चढ़ जाओ। वो ग्रेस को पेड़ पे चढ़ा देता है पर ली का कहीं भी कुछ पता नहीं चलता। फिर ग्रेस को जिम की डेड बॉडी दिखाई देती है, यानी कि उसके गाइड को उस क्रोकोडाइल ने मार दिया था। तब ग्रेस एडम को भी पेड़ पे चढ़ने के लिए बोलती है। फिर कुछ टाइम बाद हमें ली को देखते हैं जो कि अभी भी उस बोट के अंदर थी। वो जैसे तैसे उस बोट से बाहर निकलती है, पर वो क्रोकोडाइल उसके पीछे आ रहा था, इसलिए वो जल्दी से बोट पे चढ़ जाती है। फिर वो क्रोकोडाइल उस बोट को हिलाने लगता है, पर ली उस बोट को जोर से पकड़ लेती है। तब एडम पेड़ से नीचे उतर के पानी में अपना हाथ मारने लगता है जिसके कारण कि क्रोकोडाइल ली को छोड़ दे। और फिर कुछ समय बाद वो क्रोकोडाइल वहां से चला जाता है और जिम की बॉडी अपने साथ ले जाता है। एडम ली से बोट में रखी रस्सी मांगता है। ली उस रस्सी को एडम की तरफ फेंक देती है जिसकी मदद से वो उस पेड़ पे चढ़ जाती है। फिर क्रोकोडाइल वहाँ पे एक राउंड मार के चला जाता है। अब इन्हें वहाँ रुकते हुए काफ़ी समय हो गया था। ये लोग इंतज़ार करते हैं कि शायद जिम को ढूंढते उनका मालिक आएगा और ये लोग बच जाएंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। ली काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाती है और वो चिल्लाने लगती है जिससे कि शायद कोई उसकी आवाज़ को सुन करके उनकी मदद के लिए आए, पर वहाँ कोई भी नहीं आता। अब इन्हें उस पेड़ पे रुके काफ़ी समय हो चुका था और ऐसे ये लोग कभी भी घर नहीं पहुँच सकते थे। वहाँ पे काफ़ी मच्छर भी रहता है। पानी काफ़ी गंदा था जिसके कारण कि वहाँ काफ़ी सारे मच्छर थे। अब ग्रेस एडम को बोलती है कि यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं जिसकी मदद से वो बाहर जा सकती है और देख सकती है या फिर मदद ला सकती है, क्योंकि एडम का चश्मा उसी पानी में गिर गया था और उसे बिना चश्मे का सही से दिखता नहीं था, इसलिए ग्रेस पेड़ की मदद से वहाँ से जाने लगती है। कुछ टाइम के बाद वो इनसे काफ़ी दूर हो जाती है और फिर वो देखती है कि दूर दूर तक कुछ भी उसे नज़र नहीं आता, सिर्फ पानी ही पानी था और वहाँ से निकल पाना काफ़ी मुश्किल था क्योंकि पानी में क्रोकोडाइल आसानी से इन पर हमला कर सकता था। वो वापस आती है और ये सारी बात उन दोनों को बताती है। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए एडम बोट को पलटने की बात करके पानी में उतर जाता है और वो दोनों चेक करते हैं कि क्रोकोडाइल कहीं आसपास तो नहीं है। एडम जैसे ही पानी में उतरता है वो बोट के पास जाने लगता है और वो काफ़ी मुसीबत के बाद बोट को पलट भी पाता है, पर कुछ समय के बाद वो क्रोकोडाइल वहाँ आ जाता है और एडम को पानी के अंदर खींच लेता है। ये सब ग्रेस देख करके काफ़ी रोने लगती है। वो एडम को जोर जोर से चिल्लाती है पर क्रोकोडाइल एडम को मार देता है। तब ली ग्रेस को संभालती है क्योंकि ग्रेस माँ बनने वाली थी और ये बात उसने अभी तक एडम को भी नहीं बताई थी। फिर वो क्रोकोडाइल वहाँ से चला जाता है
और ग्रेस उस बोट की रस्सी को अपने तरफ खींचने लगती है, बट बहुत मुश्किल के बाद भी वो उसे नहीं खींच पाती है क्योंकि वो काफ़ी दूर हो चुकी थी। फिर ग्रेस ये सोचती है कि वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ के पास जाएगी और उस बोट को अपने तरफ खींचेगी, पर वो जैसे ही ऐसा करती है वो क्रोकोडाइल पानी से बाहर आ करके उस पर हमला करता है, पर ग्रेस डर करके वापस उसी पेड़ पर चली जाती है और ये प्लान भी फेल हो जाता है। फिर वहाँ रात हो जाती है और रात में मौसम काफ़ी ख़राब हो जाता है। फिर रात होने पे वो क्रोकोडाइल उसी पेड़ के चक्कर काटने लगता है। फिर कुछ समय बाद वो एडम की बॉडी को खाने लगता है, जिसे देखकर के ग्रेस काफ़ी टूट जाती है। फिर सुबह हो जाती है और वो लोग देखते हैं कि बोट उससे काफ़ी दूर हो चुका है और उनके पास कोई ऑप्शन न होने के कारण वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग पानी के रास्ते से बोट पे जाएंगे। वो लोग जैसे ही पानी में उतरते हैं, कुछ समय चलने के बाद वो क्रोकोडाइल उनके सामने आ जाता है और फिर वो ग्रेस को पानी के अंदर खींच लेता है। ग्रेस जैसे तैसे वहाँ से बच करके पेड़ पे चढ़ जाती है। वो काफ़ी जख्मी हो चुकी थी। तभी ली को एक रेस्क्यू बोट की आवाज़ सुनाई देती है और वो उसे आवाज़ देने लगती है, पर वो रेस्क्यू बोट उसकी आवाज़ नहीं सुन पाता। ली एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जाती है और उसे आवाज़ देने लगती है, पर वो उसकी आवाज़ को नहीं सुन पाता। ली वापस जब आती है तो वो देखती है कि ग्रेस के पैर से खून बह रहा है और वो क्रोकोडाइल ग्रेस पे हमला करने के लिए पूरी तरह से रेडी है। वो ग्रेस को पैर ऊपर करने के लिए बोलती है, पर ग्रेस उसकी बात को नहीं सुन पा रही थी। वो जल्दी से जाकर ग्रेस का पैर ऊपर करती है। वो जल्दी से आकर ग्रेस के घाव पे दूसरा कपड़ा बांध देती है और फिर ग्रेस से बोलती है कि वो दूसरे पेड़ पे जा रही है और बोट का पता लगाने के लिए, पर ग्रेस उसे मना कर देती है। ऐसे काफ़ी टाइम बीत जाता है और ऐसे उनकी हालत और भी ख़राब होने लगती है। फिर ली पानी में उतरने का फैसला करती है और वो बोट के पास चली जाती है। इत्तेफाक से वो बोट पे चढ़ भी जाती है, पर वो क्रोकोडाइल वापस आ जाता है और उसी बोट पे चढ़ जाता है। तब ली डर करके पानी में कूद जाती है और वहाँ से भागने लगती है, पर वो क्रोकोडाइल उसे पकड़ लेता है और उसे एक जगह जाके पटक देता है। अब ली को जब होश आता है तो वो देखती है कि जिम की बॉडी उसके बगल में है और उसकी एक उंगली टूट चुकी है और वो काफ़ी घायल भी हो चुकी है। फिर उसे याद आता है और वो जिम की गन को उसके बॉडी से निकाल लेती है और फिर उसके हाथ को पानी में थपथपाने लगती है, जिससे कि वो क्रोकोडाइल वहाँ आ जाए। फिर वो क्रोकोडाइल वहाँ आता है और ली काफ़ी डर जाती है, जिसके कारण कि पानी के थ्रू भागने लगती है, पर वो क्रोकोडाइल उसे पकड़ लेता है और वापस से उसे पानी के अंदर खींचने लगता है। अब ली उस क्रोकोडाइल को गन से शूट कर देती है और वो क्रोकोडाइल वहीं मर जाता है। तब ली वापस से ग्रेस के पास जाती है और उसे जगाने लगती है, पर ग्रेस का काफ़ी खून पहले ही बह चुका था, इसलिए वो वहीं मर जाती है। फिर ली ग्रेस की बॉडी को बोट पे रख करके वहाँ से निकल जाती है और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलिए। धन्यवाद।